Hello students, I am Shailesh Rastu, Physics Faculty of Major Kalshi Classes Allahabad. And today I am going to the coming examination in NDA ka hamara 22 April ko hone wala uske bare mein aur physics ka jata hote hue aapko kuch guide karunga par aapko bataunga ki kis tarike se aap acche se acha physics mein kar sakte. Pehli baat ye janenge ki physics jo hai वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल एबिलिटी के पेपर में और 25 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 900 नंबर आपके 100 नंबर फिजिक्स के होंगे. थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी ईमानदारी से आप इन 100 मार्क्स में अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप आपका मेरिट में अच्छा स्थान बन सकते हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि हम जो फिजिक्स के हमारे 25 क्वेश्चन हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन होंगे और हमें क्या ट्रिक्स और क्या समझदारी उस क्वेश्चन में करना होगा जिससे कि वो अच्छे से हम लोग 25 क्वेश्चन कम से कम समय में कर सकें. बच्चों सबसे पहली बात यह है कि जो भी हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें थ्योरी पार्ट मैक्सिमम होता है, यानी आप ये मान करके चलिए कि 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन हमारे थ्योरी पार्ट के होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है हमारे रिमाइंडर पार्ट से. रिमाइंडर पार्ट के क्वेश्चन जनरली आपके मैकेनिक से होंगे, सरल और गति से होंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी से. इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने मैकेनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और सरल और गति को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके जो रिमाइंडर्स हैं उनमें आपके चांसेस काफ़ी बढ़िया बन जाए. नंबर 2, जहाँ तक आपकी थ्योरी की बात है तो थ्योरी का जो चैप्टर है वो आपका लगभग पूरी फिजिक्स को कवर करेगा. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको हर चैप्टर के बारे में अच्छा ज्ञान है, आप अपनी बुक से भी लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे प्रश्नों का आप अध्ययन कर लें और जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, NDA के सिलेबस में है, उन चैप्टर्स का एक बार अध्ययन आप थॉरली पूरा शुरू से अंत तक कर लें. न्यूमेरिकल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज NDA के एग्जाम में बहुत कम, केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके पूरे में न्यूमेरिकल आते हैं, अंकित आते हैं और बाकी हमारे 20 से 30% जो है वो पूरी तौर से सैद्धांतिक या प्रैक्टिकल है और जिसमें कि आपको को चैप्टर के बारे में आपके ज्ञान को परखा जाता है. तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप जो भी चैप्टर को पढ़ें थॉरली पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें और छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ें और ये आप देखें कि आपको छोटी छोटी बातों पर क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या आ रहा है तो उन पर आप विशेष फोकस करें. न्यूमेरिकल आप बहुत कठिन न्यूमेरिकल्स को बहुत कठिन आंकड़ी प्रश्नों को लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल या आंकड़ी प्रश्न आएंगे वो असाधारण होंगे, आसान होंगे. हाँ ये है कि थ्योरी के बारे में आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना है. जो आपके चैप्टर सिलेबस में आप इंटरनेट से अपने सिलेबस को देख सकते हैं कि आपके ये चैप्टर्स आपके जमीन सिलेबस में हैं, उन चैप्टर्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें और विशेष तौर पर जो आपकी अपनी पुस्तक है, जो आपने इंटर में पढ़ा है या आपने कोई बाजार से खरीद के रखा है, उसमें जो आपका थ्योरिकल प्रश्न है, सैद्धांतिक प्रश्न है, उनका आप अध्ययन करें और बुक में भी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके छोटे छोटे आंसर होते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से तो उसका उम्मीद है कि पूरा का पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा होगा. और दूसरी बात है कि बिल्कुल नर्वस ना और अंत तक पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ते रहें उन पर आप जिस पर हो जाना 1 घंटा केवल पूरी पढ़ें और पूरी के सारे सब्जेक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते रहें. न्यूमेरिकल जो आसान है, फार्मूला बेस्ड है, उनको आप लगा लें, आपका काम होगा.